सुविधा कर्मी की नौकरी से निकाले गए दिव्यांग व्यक्ति ने पंजाब सरकार से उन्हें फिर से नौकरी पर बहाल करने की मांग की है। उसका कहना है कि वे सुविधा केंद्रों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। 2016 में उन्हें लगभग 12 वर्षों की सेवा के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि नौकरी से निकाले जाने के बाद से उनकी हालत काफी दयनीय बनी हुई है, जिस कारण उन्हें अपना व अपने परिवार का गुजारा कर पाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए वे उन्हें सुविधा कर्मी की नौकरी पर फिर से बहाल करने या किसी अन्य विभाग में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। दे साथी घायल भी होए, एक साथी साढ़े दे सिर ते लाठी वजन कारण उसके कैंसर का कारण बन गया, जिसकी हम पिछले साल 4-5 महीने हो गए मौत हो चुकी है। उनका भी परिवार रोटी तो मथाज है, जिंद 3 बच्चे ने छोटे छोटे। जो 2016 में सीधा मुलाजमान ने लाठीचार्ज किया गया, पंजाब के मुख्यमंत्री CM साहब भगवंत मान साहब जी ने सीधा मुलाजमान के हक च नारा मारिया कि साड़ी सरकार बंदी गई, असी सीधा मुलाजमान पहल के आधार से बहाल करके रेगूलर करांगे। असी पंजाब के मुख्यमंत्री साहब जी हाथ जोड़ के अपील करांगे, जे तुसी सीधा सेंटर सरकार के अधीन पहला वांग चलांदे हो ये तुहाडे बो नहीं पेगा, तुहाडे खजाने पैसे जाएगा, सरकार के कच्चे मुलाजम पक्के होंगे, जो मुलाजम बेरोजगार नौकरियां मांग रहे हैं उन्होंने नौकरियां मिलनगियां, पंजाब का विकास होगा, तो जो मुलाजम DA की किश्तां मांग रहे उन्होंने किश्तां भी दित्तियां जाएंगी, पंजाब का विकास होगा, तरक्की होगी। सानू अज 7 साल हो गए असी सीधा मुलाजम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जिन्हों कई अंगी मुलाजम भी काम करते थे। अकाली भाजपा सरकार कहें असी नौकरियां देने हम तो सामने ही है कि साढ़े घर लगे लगाए 1100 परिवार सीधा मुलाजमान नौकरियां खोल लिया गई। मैं CM साहब जी अगे हाथ जोड़ के अपील करांगे भी सानू जल्द तो जल्द सीधा मुलाजमान बहाल किया जाए, किधरे भी सरकारी दारे चलाए जाए, जोड़े साढ़े घर के चूल्हे ठंडे पे ने वो दोबारा बाल सकन। कल असी बल्लूआन हल्के के विधायक अमनदीप सिंह जी गोल्डी मुसाफिर जी ने मंग पत्र दिता है, उन्होंने साड़ी गल बड़ी ध्यान सुनी है, उन्होंने सानू विश्वास दवाया है कि मैं जल्द जल्द CM साहब न गल करके ताड़ा मसला हल कराया जाएगा, तुहानू बहाल करा के सीटा ने बिठाया जाएगा। मैं CM साहब जी ने हाथ जोड़ के अपील करांगा एक पाई की फरियाद सुनते हुए सानू 1100 मुलाजमान की नौकरी बहाल की जाए ता कि साढ़े चूल्हे बाल सकन। हल्का हल्के ने नरेंद्र पाल समझा जी ने भी मंग पत्र दिता गया, उन्होंने सानू आश्वासन दिता है कि तुहाडी जल्द से जल्द CM साहब मीटिंग करा के ताड़ा मसला हल कराया जाएगा, तुहानू उस वापस विभाग के अंदर रखा जाएगा। सर ये 2016 जोड़े सीधा सेंटर चलते थे सरकार के अधीन, हरेक जिले के डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन सी, सरकार के खजाने पैसे जाता सी, तनखावां कढ़ के भी सरकार के फंड पैसा और बहुत जाता सी, पर अकाली भाजपा सरकार ने अपने फायदे लैन लई प्राइवेट कंपनियां सेवा केंद्र खोलते, इस करके असी हड़ताल से चले गए। जो लंबी हल्के साढ़े लाठीचार्ज किया गया तो साढ़े कई साथी घायल हुए, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब जी ने CM साहब जी ने साढ़े हक च नारा मारिया सी, जो कि उन्हें अखबार की कटिंग भी है जिरा नारे मारते जी न्यूज़, ता कि असी हम 7 साल तो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जिन्हों 1100 मुलाजम काम करते थे, अंगीन भी सी नन्निया छावा भी सी। असी CM साहब जी ने यही दसना चाहवागे जे तुसी सीधा सेंटर पहला वांग चलांदे हो खजाने बोझ नहीं पेगा, तुहाडे खजाने पैसा आएगा, कच्चे मुलाजम पक्के होणगे, बेरोजगारा नौकरियां मिलनगियां, DA की किश्तां मिलनगियां, पेंशनां नूं 2004 तों जिहड़ी पेंशन बंद पई है वह चालू की जा सकेगी। मैं CM साहब जी ने एक होर बेनती करांगा जे तुसी सानू सीधा मुलाजमां नूं बहाल करके कर दो तो तुसी सानू 2 महीने तनखाह ना दिओ, जे तुहाडे खजाना भरन तों बाद फिर तुसी सानू तनखाह दे रहे असी तुहाडी इह वी शर्त मंजूर रखांगे, जां सानू किसे वी भाग दे सरकारी अदारे चलाया जावे। आप जी अगे हत्थ जोड़ के ही बेनती है कि 1100 परिवार की रोटी बन सके। मैं CM साहब जी नूं हत्थ जोड़ के बेनती करदा इह पाई की फरियाद सुनो। मैनू एक फिल्म नायक फिल्म सीन याद आ गया कि एक पाई लड़का सी, एक दिन से CM साहब बंदे ने हत्थ च फड़ के ही कहिंदा हमारा पंजाब को बचा लो, आप तो CM साहब 5 साल के लिए CM बनाया गया है, ये आपके हाथ में फैसला है, ऐसे ना हो कि हम तो अंगीन मारे मारे असी तो मालम गई, ऐसे ना हो अगर आपने हमें हमारे बाकी साथी बना की दे ऐसे ना हो कि 1100 मुलाजम पूरा ही अंगीन हो जाए। सानू उन्होंने पूरा विश्वास है, बाकी उन्होंने हक च फैसला है, जो 1100 परिवार को बहाल कर देंगे तो उन्होंने असी दुआवा ही देवे कि खाडे घर की रोटी बन सकेगी। असी सारे ही कहना चाहवांगे सानू सीधा मुलाजमान बहाल किया जाए, जो सीधा सेंटर पहला वांग चला रहो तुहाडे खजाने पैसा जाएगा, जां सानू किसे भी विभाग च नौकरी ला दो सोसायटी अंदर। एक बार CM साहब ने 25,000 नवीं नौकरियां कढ़िया, मता पास किया है, पहला उनका सीधा मुलाजमान एडजस्ट पहल दी जाए तो एडजस्ट किया जाए।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਖ 'ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਾਲਕਾ ਦੇ MLA ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਕਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੁੱਲ ਜੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।